9 News, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। बता दें आपको कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस देसी गर्ल को लेकर। जी हाँ, देसी गर्ल जो बेहद ही जल्द विदेशी होने वाली है। दरअसल ये हर कोई जानता है कि 18 अगस्त को निक और प्रियंका ने रोका सेरेमनी कर ली, जहाँ पे उनके रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया। जो तमाम खबरें आ रही थी उन पे कंफर्मेशन मोहर भी लगाई गई। वहीं जैसे ही रोका सेरेमनी हुई, तमाम चीजें खुल के सामने आई, जहां पे निक की फैमिली को लेकर हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिरकार निक की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या करता है, क्या कौन नहीं करता। तो वहीं ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रियंका की जेठानी के बारे में, जो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमने आपको पहले एक प्रोग्राम में दिखाया था कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका की जेठानी जो है वो प्रियंका से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं आप ये जानेंगे कि जितनी खूबसूरत वो हैं उतनी ज़्यादा ही दरिया दिली भी उनमें है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि प्रियंका के खातिर प्रियंका की जेठानी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो यकीनन जान के आप भी हैरान हो जाएंगे और आपके मन में भी उनकी जेठानी के लिए वो इज्जत वो रिस्पेक्ट जरूर होगी। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किस तरह से प्रियंका की रोका सेरेमनी में बॉलीवुड के तमाम सितारों को देखा गया था। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और उनकी फैमिली यानी अंबानी फैमिलीज को भी वहां पे देखा गया। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम तस्वीरें भी सामने आई जिसमें प्रियंका और निक दोनों ही बेहद ही ब्यूटीफुल कपल के तौर पे दिखाई दे रहे थे। साथ ही हैरान करने वाली चीज रोका सेरेमनी में एक और थी, और वो ये थी कि निक की फैमिली ने बिल्कुल इंडियन अटायर को यूज किया, इंडियन रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो किया और साथ ही साथ हर किसी ने इंडियन ड्रेसअप भी लिया। जिस तरह से निक ने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो वही निक की मम्मी भी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में सूट पहने हुए दिखाई दी, तो वहीं उनके पापा ने भी व्हाइट कुर्ता पजामा पहना था। यकीनन जब ये तस्वीरें सामने आई थी तब हर कोई उनके लिए तारीफ करता दिखा। अब आप ये देखिए कि जहां इस फैमिली को शादी से पहले ही इतनी इज्जत इतनी तारीफें मिल रही हैं, तो वहीं जहां प्रियंका की जेठानी है उन्होंने भी कुछ काफी बड़ा एक काम किया है। आखिरकार वो क्या फैसला है, क्या काम है, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा और उनके फियांसे निक जोनस इन दिनों खबरों का कारण बने हुए हैं। दरअसल ये हर कोई जानता है कि प्रियंका ने निक जोनस से सगाई कर ली, रोका सेरेमनी हो गई, जिसके अपने रिश्ते की उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी 18 अगस्त को की। ऐसे में वो मौका कुछ इस तरह था जहाँ पे हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि तमाम खबरें प्रियंका और निक को लेकर सामने आ रही थी कि आखिरकार कब ये दोनों सगाई करेंगे, कब इन दोनों की शादी होगी, क्योंकि इनको जब से साथ देखा गया है तब से ही इनके रिश्ते को लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में 18 अगस्त का वो मौका था जहाँ पर प्रियंका और निक ने सगाई कर ली, उनके रिश्ते को एक मोहर भी लग गई। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा जिससे शादी करने वाली है यानी निक जोनस से, उनकी फैमिली क्या करती है, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उनकी फैमिली जो है वो किस तरह से है। हालांकि ये हर कोई जानता है कि निक जो है वो हॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर है, जो काफी ज्यादा ही उनकी हॉलीवुड में पॉपुलैरिटी भी है और जो उनके गाने आते हैं देखा जा रहा है कि वो गाने काफी ज्यादा सुपरहिट भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में प्रियंका की रोका सेरेमनी के मौके पर प्रियंका की जेठानी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रियंका और निक को बधाई देते हुए भी तमाम विशेष लिखी थी। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि प्रियंका की जेठानी ने प्रियंका के खातिर काफी बड़ा एक सेक्रीफाइस किया है, या फिर यूं कहें कि काफी ही दरिया दिल वो निकली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहले ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका की जेठानी यानी सोफी जो है वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि प्रियंका और निक की बेहद ही जल्द शादी होने वाली है। दोनों की शादी की डेट हालांकि अब तक सामने
नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनकी शादी जो है अक्टूबर में हो सकती है। तो वहीं इस साल निक के बड़े भाई की भी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ये शादी अगले साल होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि निक जो हैं, उनके बड़े भाई जो हैं, उनसे 3 साल बड़े हैं। दरअसल जो ने बीते साल अक्टूबर में सोफी नाम की एक लड़की से एंगेजमेंट की थी। साथ ही साथ सोफी शादी के बाद प्रियंका की जेठानी बन जाएंगी। वहीं हाल ही में जहां पे हमने आपको बताया कि निक के भाई जो हैं वो अगले साल अपनी शादी को करेंगे सोफी के साथ, तो वहीं सोफी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हमने अपनी शादी की शॉपिंग को होल्ड कर दिया है, लेकिन अगले साल कैसा फैशन रहेगा इसके बारे में पता नहीं है। सोफी के इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि उनकी और जो की शादी इस साल नहीं होगी, यानी कि प्रियंका निक की शादी उनसे पहले होने जा रही है। इससे पहले एक वेबसाइट में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि उनका शादी करने का कोई अभी इरादा नहीं है। मानो कहीं ना कहीं जहां अभी उनके इस साल शादी होने वाली थी, तो सोफी ने प्रियंका के चलते अपनी शादी को डिले कर दिया। दरअसल आपको अब बता देते हैं कि निक की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और निक के पेरेंट्स का भी क्या नाम है। बता दें आपको कि निक के पापा पॉल केविन जोनस हैं और उनकी मम्मी डेनिस मिलार है और उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से केविन जोनस हैं जो 30 साल के हैं और सबसे बड़े हैं। उसके बाद जो जोनस हैं जो 28 साल के हैं और उसके बाद निक जोनस हैं जो 25 साल के हैं और फिर उसके बाद उनका एक और भाई है फ्रेंकी जोनस जो 17 साल का है। ये चारों भाई अमेरिकन सिंगर और एक्टर भी हैं। केविन जोनस की शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम डेनियल है। प्रियंका की शादी के बाद डेनियल उनकी जेठानी कहलाएंगी। हालांकि निक की कोई बहन नहीं है, यानी प्रियंका की कोई ननद नहीं होगी। तो वहीं जहां पे ये प्रियंका और निक की फैमिली की हमने आपको बात बताई कि प्रियंका यहां पर सबसे छोटी बहू भी कहलाई जाएगी। फिलहाल जब तक फ्रेंकी जोनस की शादी नहीं होगी, तब तक प्रियंका एक छोटी बहू भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रियंका के परिवार वालों ने भी निक की फैमिली की काफी ज्यादा तारीफ की है। ऐसे में जो कदम प्रियंका की जेठानी ने उठाया है वो वाकई ही काबिलियत तारीफ भी है कि प्रियंका के खातिर उन्होंने अपनी शादी को डिले किया, जो वाकई ही एक दरिया दिली है। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में जहां हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और उनके फियांसे यानी निक जोनस को लेकर, जोनस फैमिली को लेकर। साथ ही साथ हमने जहाँ पे आपको छोड़ा था जिस सस्पेंस पे कि आखिरकार प्रियंका की जेठानी ने क्या कुछ किया है, जिसको लेकर दरिया दिली भी उन्हें कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका की जेठानी जो है उनकी शादी अभी निक के भाई से नहीं हुई है, उनकी भी सगाई हुई है, मगर कहा जा रहा था कि पहले निक के भाई की जो उनसे 3 साल बड़े हैं उनकी शादी होगी। मगर ऐसे में जब प्रियंका और निक का रोका हुआ, तब उनकी जेठानी ने ये फैसला लिया कि पहले निक और प्रियंका की शादी होगी, उन्होंने अपनी शादी की शॉपिंग को भी रोक दिया है। मानो कहीं ना कहीं एक से एक चीज साफ है कि जोनस फैमिली जो है वो काफी ज्यादा ही बेहतर फैमिली बताई जा रही है। किसी हर किसी की प्रॉब्लम को समझना, तमाम चीजों को फॉलो करना भी उस फैमिली में देखा जा रहा है कि वहाँ का हर एक सदस्य जो है तमाम चीजों को समझता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहाँ हर किसी को एक चीज होती है कि पहले मेरी शादी हो जाए बाद में किसी और की, ऐसे में उनकी जेठानी ने प्रियंका के खातिर जो कदम उठाया वो वाकई ही काबिलियत तारीफ है। जब ये खबर सामने आई थी तब सोशल मीडिया पर उनकी जेठानी को लेकर तमाम चीजें भी हुई, तमाम लोग उनकी तारीफ करते दिखे और उनकी खूबसूरती तो आपने देख ही ली। यकीनन उनकी खूबसूरती देखकर आप भी उनके दीवाने हो गए होंगे। बस अब इंतजार है तो प्रियंका की शादी का। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में प्रियंका बेहद ही जल्द शादी के बंधन में भी बन जाएंगी। साथ ही साथ प्रियंका और निक जो हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कहा जा रहा है कि प्रियंका और निक जो हैं हवाई आइलैंड में इन दोनों की शादी होगी। ये आइलैंड बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है,
और साथ ही साथ प्रियंका और निक की भी फेवरेट प्लेस इसको बताया जा रहा है। ऐसे में बस इंतजार है कि बॉलीवुड की देसी गर्ल अब कब दुल्हन बनेगी और विदेशी बाबू उन्हें साथ लेकर जाएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।